मेरे यार को बना दे, वो प्यार फिर जगा दे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा सब्र तो कर। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के झिरकी गांव निवासी मकसूद, जो अपने सात सुरों की सरगम से इंडियन आइडल और सारेगामापा जैसे मंच पर पहुंचकर अपनी गायकी का जलवा बिखेर कर झारखंड और बोकारो को गौरवान्वित करने वाला युवक, आज बोकारो की गलियों और चौराहों पर अपने गले से सुर लगाकर अपने और अपने परिवार का पेट तिनका तिनका जोड़कर पाल रहा है। गरीबी की इस चादर ओढ़े सिंगर विकलांग मकसूद अपने लिए एक मसीहा की तलाश में है, जो उसके सपने को पूरा कर सके। मकसूद की लाचारी और बेबसी ने उसे बोकारो की गलियों में घूम घूम कर गाने को मजबूर कर दिया है। मकसूद ने झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और खेल कला संस्कृति मंत्री से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार थोड़ी सी मदद करेगी तो राज्य और बोकारो का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी के चलते झारखंड को पहचान मिलती है, उसी तरह उसके चलते भी देश विदेश के लोग झारखंड और बोकारो को पहचानेंगे। सरकार से उन्होंने ये भी मांग की है कि वह अपने जैसे विकलांग युवा वर्ग को सड़कों पर भीख मांगते नहीं देख सकते। सरकार उसकी थोड़ी सी मदद करे तो वह विकलांग युवाओं के लिए कला अकेडमी खोलना चाहता है, जिसमें वह संगीत से लेकर कंप्यूटर और टीवी जैसे स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले ट्रेनिंग कर आएंगे, जिससे विकलांग युवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वह खुद स्वावलंबी बन सके। गायक मकसूद इंडियन आइडल में गाने के बाद उन्हें बड़े सिंगर ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन कोरोना काल के चलते कोरोना का दंश उसे भी झेलना पड़ा और उसे वापस अपने गाँव आना पड़ा। उसके बाद से ना ही इंडियन आइडल और ना ही किसी सिंगर से उनकी कोई संपर्क हुआ, ना ही कोई खोजबीन हुई, लेकिन मकसूद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गरीबी और विकलांगता को आड़े नहीं आने दिया, वह अपनी गायकी जारी रखी और अपनी गायकी से आज वह सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहे हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग उसे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और हाँ सुन भी रहे हैं। आप भी देखिए। कहते हैं आपको क्या लगता है कि आप मतलब सरगम का तार जो छेड़ते हैं उससे क्या पांव थम जाता है, क्या पता नहीं, लेकिन लोग हमारे गाना को सुनते हैं तो बहुत सारी तारीफें करते हैं, पता नहीं, लेकिन पैर अपने आप पब्लिक के रुक जाते हैं सुनने के लिए। ये पता नहीं है, अल्लाह का, उस सरस्वती माता का ही कृपा है जो हमारे गले में उतार दिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा फिर से, हम जो राह पर है उस राह पर हम फिर से जाएं। इंडियन आइडल का शो वगैरह आए या सारेगामा का शो वगैरह आए तो फिर से मैं पार्टिसिपेट करूं और अपने रांची का, अपने बोकारो ज़िले का और अपने झारखंड का और इस देश का नाम रोशन करूं। मेरे यार।